से सरकार की ओर से जो भी यथासंभव मदद हो सकेगी, इसके लिए मैं आपको इस मंच से जो है वचनबद्ध हूँ। राजकीय स्नात कोटिंग महाविद्यालय एवं चिकित्सालय देश का उत्कृष्ट संस्थानों में शुमार है और इसे शीर्ष पर ले जाने के लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी। राजीव गांधी राजकीय स्नात कोटिंग महाविद्यालय एवं चिकित्सालय पपरोला की स्पोर्ट्स और कल्चरल मीट के समापन कार्यक्रम में कानून मंत्री यादवेंद्र गोमा ने बतौर मुख्य अतिथि ये बात कही। सरकार की ओर से जो भी यथासंभव मदद हो सकेगी, इसके लिए मैं आपको इस मंच से जो है वचनबद्ध हूं। आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कॉलेज के आगे ले जाने के लिए, कॉलेज के उत्थान के लिए आपकी जो भी समस्याएं होंगी, इस कॉलेज को आगे ले जाने का एकमात्र हमारा प्रदेश में ये कॉलेज है, तो हमारी ये जिम्मेवारी है, मेरी भी जिम्मेवारी है, मेरी सरकार की जिम्मेवारी है कि इस कॉलेज को हम उस अग्रणी श्रृंखला में लेके आए जो कि पूरे देश में जो है आयुर्वेदिक कॉलेज जो है अपना जो है वो नाम रोशन कर सके। तो इसके लिए मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं और आपके स्थानीय विधायक हमारे किशोरी लाल जी समय समय पर इनके साथ संयुक्त रूप में जो भी हमारे विचार ध्यान में आएगा इस कॉलेज को आगे ले जाने के लिए, समय समय पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो है उसकी मांग रखेंगे और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का प्रदेश हित में प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ये सभी जानते हैं भाईला विधानसभा चुनाव क्षेत्र का एकमात्र आयुर्वेदा कॉलेज नहीं 200 बिस्तरों का हॉस्पिटल इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र के बीच में है और यहाँ हर वर्ष डॉक्टर निकलते हैं जो प्रदेश में और देश के दूसरे भागों में अपनी सेवाएं देते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। ये हमारे बैजनाथ के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और ये जो कॉलेज है इसको थोड़े पीछे हटके आपके बता देना चाहता हूँ